नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके सामने स्टेज टू एनटीएससी का जो पेपर हुआ था उसका सॉल्यूशन लेके आया हूँ। वैसे तो मोस्टली थोड़ा सा लेट हो गया। मोस्टली जो पेपर है वो तुम आपके लोगों के यूट्यूब के ऊपर, नेट के ऊपर अपलोड हो चुका है, लेकिन मैं मोस्टली उन्हीं क्वेश्चन पे फोकस करूंगा जो नेट पे अपलोड नहीं हुए। कई क्वेश्चन ऐसे हैं जो अभी तक रेजुनेंस, फिरजी, आकाश वालों को सोल्यूशन नहीं मिले हैं, लेकिन हम लोगों को मिल चुके हैं। ठीक है, तो हम उसके ऊपर फोकस करेंगे और आंसर की हम सबके ऊपर ही, पूरी की पूरी पेपर के ऊपर हम आंसर की को भी हम फोकस करेंगे। ठीक है, मैं नहीं चाहता कि ज़्यादा बड़ी वीडियो बने, तो कोशिश करेंगे कि हम छोटी वीडियो में इसको कवर करें। तो यहाँ देखिए इसके अंदर क्या है। यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है, 3, 15, 63, 29, 10, 23 और 4095। तो सिंपल ही इसमें रॉन्ग टर्म बतानी थी, तो यहाँ पे 2 की पावर 2 -1। यहाँ पे आप ये भी देख सकते हो कि स्क्वेयर स्क्वेयर, मैं आपको ऑलवेज कहता हूँ कि स्क्वेयर याद रखो याद रखो। तो स्क्वेयर -1, ये 3 आ गया, 4 का स्क्वेयर, 8 का स्क्वेयर -1, ये 129 किसी का भी नहीं होता, तो यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके यहाँ पे क्या है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोहित एट ए वेडिंग, आपका भाई एक पजल का क्वेश्चन है, इसका आंसर आपका 4 आएगा। ठीक है, ध्यान रखना इसका, क्वेश्चन नंबर 2 का इसका आंसर है 4। सॉल्यूशन अगर कहोगे तो मैं आपको दे दूंगा, लेकिन इसका ऑलरेडी काफी साइट के ऊपर आ चुका है, तो मैंने इसके ऊपर ज्यादा फोकस नहीं किया, कि अगर फिर भी अगर कहते तो मैं कर लूंगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, इसका राइट आंसर 1 राइट है। क्वेश्चन नंबर 4, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ हिराची, ईसी, एपीसी, मतलब यही ऊपर वाले का ये क्वेश्चन है, इसी को 4 सॉल्व करोगे तो आप है। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर 2 करेक्ट है, आसान है काफी। क्वेश्चन नंबर 5 आपका सिलोक्स का क्वेश्चन, काफी आसान सा क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर फर्स्ट करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 कोडिंग डिकोडिंग का आंसर, बड़ा ही सिंपल सा है, कुछ ज्यादा नहीं लग रहा, सिर्फ प्लस 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 करके हो रहा है, काफी आसान क्वेश्चन। आंसर 6 का 4 आएगा भाई, इस बच्चे ने ये गलत कर रखा है। आंसर है लाफ, GHTZL। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, 7 का आंसर, क्वेश्चन नंबर 7 भाई तुम्हारे कैलेंडर का क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा मैं एलेबोरेट कर देता हूँ। यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दे रखा है, एन ओल्ड कपल मेमोरी इश्यू वाला दे रखा है। यहाँ पे क्या दे रखा है भाई क्वेश्चन ने, द लेडी क्लियरली रिमेंबर्स दैट दे गॉट मैरिड इन द मंथ ऑफ फेब ऑफ द ईयर 1955। उसको पता है कि फेब 1955 को क्लियरली अच्छे से पता है कि क्या वो मैरिड, मतलब शादी हुई थी। द मैन क्लियरली रिमेंबर्स दैट द सेलिब्रेटेड हिज 21st बर्थडे विद सेम ईयर, इट वाज थर्सडे द 3rd ऑफ फेब एज ए बैचलर। तो इसका मतलब आप सबसे पहले फर्स्ट फेब का निकाल लो, फर्स्ट फेब 1955। ठीक है, इसका आप आंसर निकालोगे, उसके बाद में फिर इसका सिंपल सा सॉल्यूशन हो जाएगा। आंसर इसका क्या आएगा, 2, कुछ ज्यादा बड़ा नहीं है, काफी आसान सा क्वेश्चन है, आप देखना इसको, बस डरना मत स्टेटमेंट को देखते हुए, कभी स्टेटमेंट को देखा और डर गए। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, इसका सॉल्यूशन दिया हुआ है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, 7 का आंसर 4 करेक्ट है, ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन, काफी आसान सा क्वेश्चन है। 9 का आंसर 4, 10 का आंसर बाइसिकल ऑड वन आउट का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 11, 11 का भी बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन दे दिया आपके एक लोग का, एक थोड़ी से छोटा सा पजल है, आंसर इसका क्या तो 5, 4, 8 आएगा या 5, 6, 8 आएगा। ठीक है, 6 ऑप्शन में नहीं है तो 4 ही है, आंसर 4 करेक्ट, क्वेश्चन नंबर 11 का। क्वेश्चन नंबर 12, 12 का आंसर भाई इसका बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है आपका, ये डायरेक्शन का 5 किलोमीटर, काफी ज्यादा आसान सा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13 देखो भाई, आपके पास 3 क्वेश्चन, इन्होंने थोड़ा सा फोकस करा है किसके ऊपर, 3 से भी नहीं, आगे भी क्वेश्चन है स्टेटमेंट का, ओनली 1 स्टेटमेंट इज सफिशियंट, ओनली 2 स्टेटमेंट इज सफिशियंट, इस टाइप के क्वेश्चन, इस टाइप के आपको थोड़ा सा फोकस करना ही पड़ेगा आपके नेक्स्ट एनटीएससी स्टेज 2 के लिए। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर 4 करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर, व्हाट इज द 2 डिजिट नंबर, आंसर 3rd, एकदम 3rd नहीं है भाई, इस बच्चे ने गलत दे रखा है, निधर ही आएगा, निधर स्टेटमेंट 1 नॉट स्टेटमेंट 2, स्टेटमेंट क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर भी 4 आएगा इसका, 4 आंसर करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 5, 5 का आंसर सॉरी 15, क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर 1 करेक्ट है, ओनली स्टेटमेंट 1 इज सफिशियंट। ठीक है, मैंने पहले ही कहा है कि हम लोग सिर्फ फोकस कर रहे हैं किन क्वेश्चन पे,
जो रेजोनेंस, फिर जी आकाश, इन लोगों ने सॉल्यूशन नहीं डाले, इन ये सारे क्वेश्चन का उन्होंने सॉल्यूशन डाल रखे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि दोबारा से बार बार इनका सॉल्यूशन हम डालें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर, इसका सी आंसर, पेस मेकिंग रैंकिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन, बड़े आसान सा क्वेश्चन डाल दिया इन्होंने। क्वेश्चन नंबर 17 सीरीज का ही बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है, काफी ज्यादा आसान। 17 का आंसर आपका थर्ड करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 18 में भाई देखो यहाँ पे क्या दे दिया, सिंपल सा ही क्वेश्चन है वैसे, अर्थमेटिक का क्वेश्चन, लेकिन फिर भी करा देते हैं। म्यूजियम हैज एन एवरेज ऑफ 520 विजिटर्स ऑन संडे, ठीक है, संडे को कितने आते हैं भाई, 520 आते हैं। एंड एवरेज ऑफ 100 विजिटर्स ऑन अदर डेज, व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ विजिटर्स पर डे इन ए मंथ ऑफ 30 डेज बिगनिंग विद ए संडे। अगर बिगनिंग एक तारीख को संडे है तो उस मंथ में 5 संडे आएंगे, मल्टीप्लाई 5, तो 25 और डेज, इसके अंदर कितने आएंगे, 100 डिवाइड बाई 30, बस आपका एवरेज निकल जाएगा। आंसर कितना आएगा आपका, 170। क्लियर है, आसान से क्वेश्चन, ज्यादा हार्ड नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर क्या है भाई, इसका बड़ा ही आसान सा डायरेक्शन का क्वेश्चन, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। 19 का 1 करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर भी 8, यहाँ पे भी आपके रैंकिंग का ही क्वेश्चन है, 14 फ्रॉम द स्टार्ट मिस्टर वाई, 17 फ्रॉम द एंड, काफी आसान सा क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर क्या है, 8 करेक्ट है। 21 के अंदर भी आपको क्या दे रखा है, यहाँ पे सब मल्टीपल हो रहे हैं, 13 है, यहाँ पे 13 का 13 से मल्टीपल हो, यहाँ पे देखो भाई इसको समझ नहीं आ रहा होगा आपको, मैं यहीं पे बता देता हूँ। इसके अंदर क्या है भाई, 13 का 13 से मल्टीपल है, 13 का 65 से, इसका इससे, इसका इससे, इसका इससे, आगे मल्टीपल में आ जाएगा। ठीक है, तो 21 का आंसर क्या है भाई, 21 का आंसर आपका 4 करेक्ट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 भाई बड़ा ही अच्छा सा क्वेश्चन दे दिया, इसको मैं बता देता हूँ। देखो 4 से 55 क्या होगा, 4 से 55 होगा 4 मल्टीप्लाई 11 प्लस 11 इंटू 1 का स्क्वायर। ठीक है भाई, यहाँ पे क्या हो गया 55, आगे यहाँ पे क्या दिया है, 576 दिया है ना, तो देखो 55 मल्टीप्लाई 9 प्लस 9 इंटू 3 का स्क्वायर, ये तुम्हारा आगे आंसर 576 आ जाएगा। अब आगे क्या आना चाहिए, 576 मल्टीप्लाई 7 प्लस 7 मल्टीप्लाई 5 का स्क्वायर। ठीक है, ऐसे करके ये आपके आंसर आ जाएंगे। इसका आंसर क्या है भाई, 4207। ओके, ये आपका आंसर। नेक्स्ट, ये नेक्स्ट क्या है भाई, इसका बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 23 यहाँ देखिए, क्वेश्चन नंबर 23 बहुत ही आसान सा क्वेश्चन, जेड क्वेश्चन 2197, जेड क्या है, 13 का क्यूब 2197, तो जेड 26 पर आता है, 26 डिवाइड बाई 2 13 का क्यूब 2197, आर कितने पर आता है, 18 पे, 18 का हाफ 9 का क्यूब 729, ऐसे ही पी ऐसे ही जे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर भाई आसान सा क्वेश्चन है, ब्लड रिलेशन का कजन आंसर इसका करेक्ट है। 25 आपका बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन, सिंपल ही है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन, इसका आंसर 2। क्वेश्चन नंबर 26 बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन डाइस का, ये भी 3 मस्ट बी एडजेसेंट टू 5, बिल्कुल सही है, क्वेश्चन नंबर 26 का थर्ड आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 ये भी कोडिंग डिकोडिंग का बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन, 27 का क्या आंसर आएगा, थर्ड करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 28 का भी यहाँ देखो, चलो मैं इस 28 को मैं बता ही देता हूँ। 28 में पूछा भाई देखो, ये ए का बी से कितने रास्ते मिलेंगे, एक तो ये वाला एक, ठीक है, एक ये वाला दो, एक ये दो, एक यहाँ पे तीन, एक यहाँ से चार, ठीक है, एक यहाँ से पांच, और एक कौन सा बच गया, ये वाला ठीक है, 6 आंसर कितना जाएगा, 6 इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 में मैं बताता हूँ भाई, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना। यहाँ पे देखो ये वाली चीज, अगर यहाँ पे ये एक आ जाए, अगर एक है तो ट्रायंगल एक होगा, ये दो आ जाए, देखो यहाँ पे ये 1, ये 2, ये 3, 4, ऐसे 1, यहाँ पे 2 आ गया तो आंसर कितना होगा भाई, 5, ठीक है, 3 आ जाए तो आंसर कितना होगा, 13, 4 आ जाए तो 27, 5 आ जाए तो 48, 6 आ जाए तो 78, 7 आ जाए तो 118, और 8 आ जाए तो 170, बस इससे बाहर कभी नहीं आ सकता, इस चीज को ध्यान रखना। ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ठीक है, 5
548, 678, 7118 और 8170। ओके नेक्स्ट, और आगे बढ़ते हैं। और आगे क्या है नेक्स्ट भाई? क्वेश्चन नंबर 30। 30 का क्या है क्वेश्चन नंबर 30? सिंपल सा डायरेक्शन का ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर 4, 4 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 31, 31 का भी भाई बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है। 31 का आंसर क्या आएगा? 20% आएगा, इसका गलत अभी 25 नहीं आएगा, 20 आएगा। करेगा इसको, चलो कर लेते हैं। याद है कुछ बच्चों को नहीं आता होगा ये, यहाँ पे ये हमारा एक ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया, ठीक है। इन ए क्लास ऑफ 45% स्टूडेंट स्टडी मैथमेटिक्स, एम मैथमेटिक्स कितना करते हैं 45, ठीक है। अब 55 स्टडी फिजिक्स, फिजिक्स कितना है भाई 55 है। अब आगे 40% स्टडी केमिस्ट्री, केमिस्ट्री कितना है 40%। उसके बाद में फिर इसने क्या दे दिया, पहले ओवरऑल देखो, एंड 10% स्टडी ऑल दिस, बीच में कितना है 10, बीच में कितना है 10, यहाँ पे आप कितना दे दिया 30% स्टडी मैथमेटिक्स और फिजिक्स, फिजिक्स और मैथमेटिक्स कितना है दोबारा से 30%, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 30% ये पूरा, ये कितना आ जाएगा 20, ठीक है, मतलब ये 10 ये 20। उसके बाद में फिर बस खाली यही देखना है, ये 15% है तो ये कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा 25 का तो 15 आ जाएगा बस। अब ये इसका पूरे का निकाल लो, ये 15, ये 10 और ये 5 मतलब 30, तो ये कितना आ जाएगा, ये 10 आ जाएगा, ऐसे ये निकल जाएगा, ऐसे निकल जाएगा, ठीक है। तो आंसर क्या आएगा इसका 20%। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, 32 क्या कहता है, सिंपल सा क्वेश्चन है। सॉलिड इज दिस, इसमें क्या हो रहा है प्लस 4 माइनस 3, ठीक है, एस है, एस में एक बार प्लस 4 एक बार माइनस 3, ओके। क्वेश्चन नंबर 33 बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन, डाइस का आंसर क्या आएगा इसका 6, 33 का 6 आंसर है। क्वेश्चन नंबर 34 देखो भाई, ये वाला क्वेश्चन, इसके अंदर आधा ही क्वेश्चन, रेजिडेंस वालों ने इसको क्या काम कराया, आधे का रिप्लाई कराया, आधे का रिप्लाई नहीं किया, ये बात बिल्कुल ठीक है। ये टाइमिंग है, इसके अंदर क्या है, ये 1@25 है, ये 2@0 है, इसकी टाइमिंग है, ये टाइमिंग का मतलब ये 35 मिनट का गैप, ये 45 मिनट का, ये 55 मिनट का, 65, 75 और ये 85, 85 मिनट के अंदर आते यहाँ पे क्या जाएगा 725, ठीक है, जितना तो ठीक है। चलो मैं देखो दोबारा से बताता हूँ, अल्फाबेट का नहीं बताया, किसी ने भी नहीं बताया, मैं बताता हूँ आपको अल्फाबेट का कैसा है। कहीं से भी शुरुआत करो, देखो यहाँ से करते हैं, एफ कितने पे है, 6 पे आता है एफ पे, 6 और 2 8, 6 प्लस 2 8, 8 पे क्या आता है H, ये H आ गया 8 पे, ठीक है। अब यहाँ आगे देखो, 8 प्लस 2 10 प्लस 4 14 प्लस 5 19, S कितने पे आता है 19 पे, आया समझ में। अब देखो 19 प्लस 3 22 प्लस 4 26, ये 26 आ गया यहाँ पे। अब देखो 26 प्लस 4 30, 30 प्लस 9 39, अब भाई 39 में अल्फाबेट कितना आता है, 26 के बाद कितना आता है 13 ही तो आता है, इसमें 26 माइनस कर दो 39 में, तो कितना आया 13, 13 में क्या आएगा M, M देखो अब दोबारा से 13 प्लस 6 19, ये 19 आ गया, ठीक है। दोबारा से 19 प्लस 7 26, ये 26 से 26 हटा दो, 2 प्लस 5 7, ये 7 आ गया, है ना, ठीक है ना, समझ में आ गया होगा आपको, ऑब्वियस सी बात है। फिर भी और आगे बढ़ते हैं, क्या है भाई इसके अंदर नेक्स्ट आपका देखते हैं क्वेश्चन में क्या कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर देखो आगे बढ़ते हैं, अभी नेक्स्ट ये आपका लॉजिकल रीजनिंग का एक सिंपल सा ही क्वेश्चन है, बड़ा ही आसान सा, क्या था रीजनिंग पावर एंड लॉजिकल पावर, बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है भाई, इसको सॉल्व कर लेना, कोई बड़ी बात नहीं है, इस चीज को आपका आसानी से हो जाएगा। तो 35 का सीधा ही आंसर देता हूँ, 35 का आंसर देखो ये फॉर रिकी हैज लिस्ट लॉजिकल पावर, बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। रेजिडेंस वालों ने इसका आंसर गलत दे रखा है, थर्ड दे रखा है, मेरा अकॉर्डिंग भाई फोर्थ आएगा। 36 में 2 और 3 बोनस है भाई, इसमें 2 भी आ सकता है 3 भी आ सकता है, ये बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है, बोनस है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 क्या आएगा, 37 याद देखो क्वेश्चन नंबर 37 के अंदर क्या दे रखा है, तो बड़ा ही टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन है इसका, 37 का, 37 का आंसर 18 करेक्ट है, इसका आंसर 18 आएगा, ठीक है। 39 में देखो क्या दे रखा है, डायमंड इज कोटेड एज दिस, ये भी उन लोगों ने नहीं बताया, मैं बताता हूँ आपको डायमंड का, इसका देखो
डी कितने पे आता है? 4 पे, आई 9 1 13 15 14 और 4। ठीक है, देखो उल्टी से शुरुआत करो, 2 into 2 4, ये 4 लिख दिया, 7 into 2 14 लिख दिया, 5 into 3 15 लिख दिया। अब ये प्राइम नंबर आ गया 13 का, 13 सेम, और 1 का 1 सेम, 1 और 13 सेम लिख दिया। अब 3 into 3 9 लिख दिया, और यहाँ पे 2 into 2 4 लिख दिया। ठीक है, सेम ऐसे ब्रॉन्ज, देखो ई प्राइम नंबर है, 5 का 5 सेम लिख दिया। जेड 26 पाता है, तो 13 into 2 26। एन कितने पाता है? 14 पे, 7 into 2 14। ओ कितने पाता है? 15 पे, 5 into 3 सेम ऐसे। ठीक है, अब सिल्वर का निकालना है। आर कितने पाता है? 18 पे, तो 9 into 2 18 सेम। ई कितने पाता है? 5 पे, 5 का 5 सेम हो गया। अब वी 22 पाता है, 11 into 2 देखो ये 22। उसके बाद में फिर एल कितने पाता है? 12 पे, यहाँ देखो 3 into 2 into 2 ये 12 हो गया, 3 into 2 into 2। फिर आई कितने पे आता है? 9 पे, 3 into 3। और एस कितने पे आता है? 19 पे, 19 का 19 सेम कर दिया। ठीक है, आसान सा ही क्वेश्चन था, ज्यादा भारी तो नहीं था इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39 के भाई देखो, क्लॉक की मैंने सारी वीडियो डाली हुई है, सेम ये टाइप 2 है, बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन, डायरेक्ट मैं आंसर बता देता हूँ, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इस बच्चे ने पता नहीं कैसे इस चीज को गलत कर दिया। इसका आंसर 39 का 3, 2 पीएम ऑन थर्सडे। ठीक है, इसने किस तरीके से करा है मुझे नहीं पता। क्वेश्चन नंबर 40 जिसका भी पेपर है, 40 का आंसर भाई, 40 का आंसर 1 आएगा। बड़ा अर्थमेटिक का क्वेश्चन है, सिंपल वैल्यू रखनी है और आपका आंसर हर इक्वेशन में रखनी पड़ेगी, लेकिन इसके अंदर आंसर 1 है। जिसने फर्स्ट पे क्लिक करा उसका आंसर करेक्ट आ जाएगा। ठीक है, सेम ऐसे भी अब की बार अर्थमेटिक के इस टाइप के क्वेश्चन डाले इन लोगों ने। 41 का 1 सेम क्वेश्चन है इसी टाइप का, आंसर 1 आएगा। क्वेश्चन नंबर 42 बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन दिया है, सिर्फ 6 फ्रेंड्स का दे रखा है सीटिंग अरेंजमेंट का, कुछ भी नहीं है इसमें। क्वेश्चन नंबर 42 का आंसर क्या आएगा भाई? इस बच्चे ने ये भी गलत कर दिया, आंसर आएगा 4 2 and 3। ठीक है, नेक्स्ट 43, ये भी आपका बोनस है, 43 का आंसर बोनस आएगा भाई। क्वेश्चन नंबर 44 में भी सिंपल वैल्यू रखनी है, आंसर 4 आएगा, करेक्ट है क्वेश्चन नंबर 44 का 4। 45 का आंसर यहाँ पे भाई आपका आएगा 4। ठीक है, 45 का आंसर 4। 46 का वन टाइम आंसर यहाँ पे आएगा 2, 46 का। 47 का देखो, ये भी कई किसी ने भी सोल्व नहीं किया, हम करते हैं इसको सोल्व। यहाँ देखो 47 में क्या वही क्या दे रखा है, यहाँ देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे 12 + 3 ठीक है, डिवाइड 3, ये जो ऊपर वाला है, यहाँ पे कितना आ गया 5। यहाँ पे आप 15 + 5 डिवाइड बाई 5 कितना आ गया 4। अब 21 + 4 अपॉन a इक्वल टू 5 आना चाहिए। अब यहाँ पे 29 + 7 डिवाइड बाई 9 कितना आ गया 4। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5, ये पुट कर दो, a की वैल्यू 5 पुट कर दी। अब यहाँ देखो दोबारा से, अब ऊपर वाली वैल्यू b की वैल्यू कैसे निकाले, 12 + 3 + 15 + 5 कितना आ गया भाई 35। अब 35 को 3 + 5 3 + 5 कितना आ गया 8। अब सेम ऐसी यहाँ पे चार नंबर लेने, क्या लेना है भाई नेक्स्ट, 15 + 5 + 21 + 4 ठीक है, कितना आ गया 15 + 5 20 40 41 45 45 में 4 + 5 9 ठीक है। और लास्ट 21 + 4 + 29 + 7 कितना आ गया 61, 6 + 1 7 तो आंसर 5 और 7, आंसर 5 और 7 ठीक है, करेक्ट है। नेक्स्ट आंसर इसका 47 के बाद, क्वेश्चन नंबर 48 का आंसर बहुत ही आसान सा है, क्वेश्चन आंसर क्या आएगा सी 17 करेक्ट है। 49 आंसर ईगल का टैलन करेक्ट है। 50 का बहुत ही आसान सा क्वेश्चन, सिंपल 500 में से आपको ये अंदर की वैल्यू करके परसेंटेज निकालनी थी, आंसर क्या आएगा 7.8 करेक्ट है। 51 ऑलरेडी ये लोग ये ऑर्डर में लगे हुए हैं, तो 3 2 1 4 5 बिल्कुल करेक्ट है। 52 का आंसर 1 करेक्ट है, सिलोक्स का क्वेश्चन बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट 53 का क्वेश्चन, ये भी बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन, कुछ ज्यादा कुछ भी नहीं है, सिंपल प्लस माइनस हो रखा है। आंसर कितना आएगा भाई 53 का 2 करेक्ट है। 54 का आंसर इसका 3 करेक्ट है। 55 का आंसर 1 करेक्ट है। 56 का आंसर 4 करेक्ट है। नेक्स्ट 56 हो गया 57 का आंसर आसान सा क्वेश्चन ब्लड रिलेशन का 4 करेक्ट है। 58 का आंसर 4 करेक्ट है। 59
सिंपल सा ही क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा आसान सा। 59 का आंसर 1 करेक्ट है, 60 का 4 करेक्ट है, 61 का आंसर भाई इसका 4 करेक्ट है, 61 का ये रहा, 61 का आंसर 4 करेक्ट है, 62 का आंसर 3rd फ्राइडे आएगा, आसान सा क्वेश्चन है, करेक्ट है, 63 ऑलरेडी बहुत ही आसान सा क्वेश्चन, आंसर 4 आएगा भाई इसका, 63 का आंसर क्या आएगा 4, ठीक है। क्या कैसे 2 × 5 देखो 10 और 3 + 1 + 4 8, ठीक है, इस टाइप में, तो 8 × 2 16, 6 + 4 + 3 13, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64, बोनस आएगा भाई इसमें, कुछ क्वेश्चन पूछ नहीं रखा, आंसर क्या आएगा बोनस। क्वेश्चन नंबर 65 ब्लड डायरेक्शन का क्वेश्चन पड़ेगा, आंसर क्वेश्चन है 1 करेक्ट है, 66 का आंसर आपका 2 करेक्ट है, 67 का आंसर, क्वेश्चन नंबर 67 आसान सा क्वेश्चन है भाई, कुछ ज्यादा बड़ा नहीं है, वही अर्थमेटिक के अंदर वेन डायग्राम का क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन है वैसे, क्वेश्चन नंबर इसका भी ये भी गलत दे रखा है, इसका आंसर क्या आएगा 4 करेक्ट है 67 का। क्वेश्चन नंबर 68 का आंसर 4 करेक्ट है, आंसर क्या आएगा 3 सॉरी हाँ मतलब नंबर 3 68 का 4 ओके करेक्ट है, आंसर बताऊं क्या इसको कैसे आएगा, कर रखा है कोई बात नहीं। नेक्स्ट भाई टाइम मिलेगा तो देख लेते हैं, मैं ज्यादा बड़ी वीडियो पर नहीं बनाना चाहता, मैंने आपको पहले भी बताया। क्वेश्चन नंबर 69 आसान सा ही क्वेश्चन है ये भी, चलो कर लेते हैं मिसिंग नंबर के, तो यहाँ देखिए 4 + 2 + 1 7, 5 + 2 7, 3 + 4 + 5 12, 6 + 6 12, 5 + 5 10 or 9 19, 10 + 9 19, ऐसे 11 + 6 + 4 21, 19 + 2 21, ठीक है, आसान से क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर क्या आएगा भाई, यहाँ देखिए 17 का आंसर यहाँ पे आपका संडे करेक्ट है, 71 का आंसर 1 आएगा इसका, ठीक है, आंसर 1 करेक्ट है, 72 का आंसर इसका भाई 2 आएगा, 4 नहीं आएगा, गलत कर रखा है इसने, 72 का आंसर क्या आएगा 2, सिंपल है बहुत, अर्थमेटिक नॉर्मल अर्थमेटिक लगा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 73 इनपुट आउटपुट का एक क्वेश्चन दिया हुआ है, काफी ज्यादा लेंथी क्वेश्चन है, 73 का आंसर क्या आएगा भाई 2 आएगा, रीजनिंग सक्सेस वाला, ठीक है। नेक्स्ट 74 का आंसर 2 करेक्ट है, 2 आएगा इंग्लिश अल्फाबेट के अंदर, रैंकिंग का क्वेश्चन है। 75 का आंसर यहाँ पे कितना आएगा भाई 20, सिंपल सा सीधा ही आंसर लिख देता हूँ, यहाँ देखिए आंसर क्या है यहाँ पे, यहाँ देखो क्या आएगा, सबसे पहले 7 बैम्बू, उसके बाद में 2 पीपल, उसके बाद 2 नीम, उसके बाद 4 बेनियन, उसके बाद में ऊपर, ठीक है, टोटल कितना आ गया 20। क्वेश्चन नंबर 75 ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 76 भी वही, चलो कराई देते हैं, यहाँ देखिए 76 में पी कितने पे आता है, अल्टरनेट का प्लस है, पी कितने पे आता है 16 पे, पी कितने आता है 16 पे, 16 + 16 = 32, ठीक है, अल्टरनेट का O कितने पे आता है 15 पे, U कितने पे आता है 21 पे, तो 15 + 21 कितना आ गया 36 आ गया, ठीक है, अल्टरनेट प्लस, ठीक है, तो इसी कारण से आंसर 76 का क्या आ जाएगा भाई आपका 3rd, अल्टरनेट आपका क्या है भाई इसमें प्लस हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 77 का आंसर कितना आएगा भाई 65.7, ठीक है, इसके अंदर ये थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है, मैं आपको बता देता हूँ क्या करोगे आप, ऑप्शन देख के करना है इसको क्या करना है, ऑप्शन देख के करना है, मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा सा कैसे, देखो यहाँ पे 2x और 3x इसकी पूरी स्टेटमेंट अगर पढ़ोगे तो यहाँ पे क्या करोगे भाई ऑप्शन के अकॉर्डिंग, जैसे मान लो इसको उठाया मैंने तो 65.7 × 3x, 2x इसकी, ठीक है, इसकी जो वैल्यू आएगी, जब सबसे छोटी इसमें क्या दे रखा है स्क्वेयर है जो 4 डिजिट का हो, तो क्या होता है वो 1024, इसमें इसकी वैल्यू प्लस कर देना, तो जो आंसर जो सेम जो ऊपर नीचे कैसे भी देखो देखेंगे तो आंसर कितना आएगा 12:2:1, ये ठीक है, आप ऑप्शन उठा के करना हो जाएगा आपका, नहीं होता तो मेरे को बताना, मैं दोबारा से इसको ढंग से सोल्व करा दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 78 वही अर्थमेटिक का क्वेश्चन है, आसान सा क्वेश्चन, आंसर कितना आएगा भाई 4 करेक्ट है, 79 का आंसर 4 करेक्ट है, सिंपल बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है अर्थमेटिक का, लेकिन थोड़ी टाइम कंज्यूमिंग है वो,
नंबर 80, 80 का आंसर इसका 151.43। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा अच्छा क्वेश्चन। ठीक है, ट्राई करना आप इसको, इसका हो सके तो स्क्रीनशॉट ले लेना चाहिए हर एक के, और इसको सोल्व करना। क्वेश्चन नंबर 81, आसान सा क्वेश्चन है। 81 का आंसर क्या आएगा? 2, आंसर 2 आएगा। ठीक है, 81 का। नेक्स्ट 83, बड़ा ही अच्छा सा क्वेश्चन है, आसान सा क्वेश्चन है। क्या आपके क्लॉक का, चलो यहाँ पे मैं बता ही देता हूँ, यहाँ देखिए आप क्लॉक में क्या देखा है भाई। यहाँ पे हमारे क्या है, देखो 3 मिनट के अंदर क्या है, 5 सेकंड क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। ठीक है, तो 60 मिनट में कितना गेन करेगा? 100 सेकंड गेन करेगा। ठीक है, 1 घंटे में, स्टार्टिंग के 1 घंटे के अंदर 100 सेकंड क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। फिर 200 सेकंड लॉस, 300 सेकंड गेन, 400 सेकंड लॉस, ऐसे करते 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 करते। अब यहाँ देखो 100 छोटा है, 200 बड़ा है, तो लॉस होगा। ऑप्शन में देखो लॉस सिर्फ एक ही है। ठीक, आसान सा क्वेश्चन था, अगर आप 2 ही वर्ड के अंदर इसको कर सकते थे ऑप्शन के देख के। नेक्स्ट 82 हो गया भाई, 82 का। नेक्स्ट 83, 83 का आंसर आपका 1 करेक्ट है। नेक्स्ट 84, 84 का आंसर 2, 14 करेक्ट है। बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन था वैसे, लेकिन इसमें छोटी सी गलती दे रखी है इंग्लिश में। इसमें यहाँ पे देखो, यहाँ पे टी लगा हुआ है, हिंदी में यहाँ पे टी है ही नहीं, तो जिस भी बच्चे ने अगर हिंदी में कराया सॉल्व तो उसका पक्का ये क्वेश्चन गलत हुआ होगा। नेक्स्ट 85, 85 का आंसर इसमें 1 आएगा, 1 करेक्ट है। ओनली वन सफिशियंट, स्टेटमेंट 1 इज अलोन इज सफिशियंट। ठीक है, करेक्ट है। नेक्स्ट 86, 86 में भी कई बच्चों को डाउट है, मेरा अकॉर्डिंग तो इसका आंसर 2 आना चाहिए, 44, 22। ठीक है, कई बच्चे 48, 22 भी कह रहे हैं, भाई आप पर देख लेंगे, मेरा जो आंसर निकल का आया वो आया 44, 22। ठीक, नेक्स्ट 87, 87 का आंसर आसान सा है, 1 करेक्ट है। ठीक है, 88, भाई देखो ये काफी बच्चों को नहीं आया, इवन इंस्टीट्यूट वालों को भी नहीं आया। यहाँ देखो ये साइड कितनी, इसमें 6 है, ये 5 है, प्राइम नंबर है, 6 + 5 11। ठीक है, यहाँ पे 1 + 3 + 3, 3 कौन से है, 13 को कर दिया 1 + 3, 3 क्या है, साइड की साइड है। ठीक है, 3 + 3 + 1 क्या है, 7 प्राइम नंबर, 9 + 8 17 प्राइम नंबर, यहाँ पे 4 है। अब यहाँ देखो 1 + 7 + 4 कितना हो गया, 12 प्राइम नंबर नहीं है। यहाँ पे 1 + 5 + 4 कितना हो गया, 10 प्राइम नंबर नहीं है। 5 + 4 9 प्राइम नंबर नहीं है। यहाँ पे 2 + 1 + 4, 4 2 6 7 हो गया, ये क्या है, प्राइम नंबर, ये तुम्हारा आंसर, आंसर क्या आएगा, 4 करेक्ट है। नेक्स्ट क्या आएगा देखो भाई, इसके अंदर सेम ऐसे ही सेम है, यहाँ पे सीरीज बन रही है भाई, 3 + 8 + 5। ठीक है, 8 + 3 कितना होता है, 11 + 5, यहाँ पे 16, 7 + 6 + 4 17, यहाँ पे 18, 3 + 2 + 3, ए की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई, 18। यहाँ पे देखो 4 + 7 + 1 कितना हो गया, 12, 5 + 8 + 3 16, 9 + 6 + 5 20। नेक्स्ट 7 + 4 11, ये 12, ये 13, यहाँ पे भी बी में क्या आएगा, 13, तो आंसर 3 और 3 2। ठीक है, नेक्स्ट 89 का भी हो गया हमारा। नेक्स्ट आंसर क्या है भाई, यहाँ देखो 89 के बाद क्वेश्चन नंबर 90, 90 का आंसर बहुत सारे बच्चों को नहीं आया, आंसर यहाँ देखिए कैसे होगा ये, इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 90 के अंदर ये है 4 2 3 1, यहाँ देखो 4 2 3 1, उसके बाद में फिर यहाँ पे कैसे होगा इसको, 4 2 3 1 के अंदर इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख दो, 4 है 3 है 2 है 1 है। ठीक है, किसमें लिखना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में, फिर इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिख दो, 1 2 3 4, और इसका डिफरेंस क्या होगा, जो इसका डिफरेंस होगा 3 0 8 7, ये यार इसका आंसर हो गया। सेम ऐसे देखो 6 2 4 3 है ना, 6 2 4 3, इसको क्या करना है आपको, यहाँ पे दोबारा से यहाँ पे मैं कर रहा हूँ, सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर में 6 4 3 2, अब डिसेंडिंग ऑर्डर में, सॉरी ये डिसेंडिंग ऑर्डर है, अब असेंडिंग ऑर्डर में क्या है, 2 3 4 6, हम दोनों का डिफरेंस, जो डिफरेंस आएगा 4 0 8 6। ठीक है, सेम ऐसी 7 6 1 4, इसको क्या लिखोगे, 7 6 4 1, और यहाँ पे 1 4 6 7, इनका जो डिफरेंस आएगा वो कितना आएगा, 6 1 7 4, ये आपका आंसर। बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन था, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट देखो भाई, नेक्स्ट में क्या दे रखा है इसके अंदर, यहाँ
क्वेश्चन नंबर 91 के अंदर भी बड़ा ही आसान सा है। यहाँ देखो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, टू कितनी बार आ रहा है, एक बार, ये देखो टू एक बार लिख दिया। थ्री कितनी बार आ रहा है, टू बार, ये थ्री टू बार टाइम्स लिख दिया। एट कितनी बार आया, एक बार, तो ये एट एक वन टाइम लिख दिया। ऐसे ही वन देखो, वन कितनी बार आ रहा है, दो बार आ रहा है, वन दो बार लिख दिया। टू कितनी बार आ रहा है, दो बार, ये दो बार लिख दिया। फोर कितनी बार आ रहा है, एक बार, ये एक बार लिख दिया। थ्री कितनी बार आ रहा है, वन टाइम्स। फाइव कितनी बार आ रहा है, वन टाइम। और एट कितनी बार आ रहा है, टू टाइम। तो आंसर आपका टू। आसान क्वेश्चन है लेकिन बहुत सारे, इवन दोबारा से मैं बता रहा हूँ, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट वालों का भी नहीं हुआ ये क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 92, यहाँ देखो 92 का आंसर कर रखा है। सो काफी आसान सा है, कभी भी हो इसका याद रखना, इन्फिनिटी मेनी टाइम्स। ठीक है, ये आंसर आएगा 92 का। नेक्स्ट नेक्स्ट आंसर क्या है भाई, यहाँ देखिए इसके अंदर 92 के बाद फटाफट खत्म होने वाला अपना 93। इसके अंदर भाई आंसर जो डिवाइड नहीं कर सकते, 4 और 6 तो कर ही सकते हैं, 5 और 7 में आता है, तो 7 में आपका स्क्वायर बन जाएगा। 5 में भी कुछ बच्चे कहेंगे सर 5 भी तो बन सकता है, उसमें बच्चे अगर कट करोगे तो 7 बनते हैं, सॉरी रेक्टेंगल बनता है, स्क्वायर नहीं बनता है। इसमें स्क्वायर का कुछ है, दोबारा से करके दिखा देता हूँ मैं आपको। यहाँ देखो ये बन गया आपका, ठीक है, यहाँ पे ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, 1 2 3 4 5 6 एक और कर लो यार, मतलब ढंग से करना, ठीक से बना देगा, स्क्वायर बन जाएगा, और ये पूरा भी एक स्क्वायर बनेगा, लेकिन 5 में करोगे तो ये रेक्टेंगल बन जाता है बड़े वाले में। ठीक है, बार का निकल यूज करना और ओके, आंसर इसका क्या आएगा, 5 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 94 का आंसर इसका क्या आएगा भाई, 1 आएगा, 94 का 1 करेक्ट है। आसान सा क्वेश्चन है, कर सकते हो। नेक्स्ट 95 का आंसर 4 आएगा भाई। वैसा आंसर इसका लॉन्गेस्ट पाथ कौन सा आएगा, इसका 2 आएगा, लेकिन ऑप्शन वाइज देखें तो मोस्ट अप्रोप्रिएट ढूंढना है, आंसर इसका 4 करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट 96 का आंसर भाई, ये भी कई पता नहीं क्यों नहीं करा, कईयों को डाउट आ गया। यहाँ देखो सिंपल आर्क ये हो गई, ठीक है, ये लाइन ये हो गई, यहाँ पे आर्क एक ये हो गई, एक ये हो गई, ठीक है, कितनी आर्क है, 4, तो 4 × 20, एक आर्क के लिए 20 रुपीज, और दो लाइन के लिए 1 रुपये, कितना हो गया टोटल 82, ये टोटल 1000 है, तो 1000 / 82 आपका आंसर 12। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 96। नेक्स्ट क्या है भाई, 97 भी का आंसर क्या है, यहाँ देखो चलो कर ही देते हैं। 97 में क्या है भाई, ये 6 है, ये 4 है, तो 6 के फैक्टर क्या होते हैं, 6 के फैक्टर 1 2 3 और 6, ठीक है, ये टोटल फैक्टर कितने होंगे, 4, ऐसे 12 के फैक्टर 6, ऐसे 18 के फैक्टर 6, तो आंसर 42 के फैक्टर कितने होंगे, 8 फैक्टर है ये। ओके, नेक्स्ट आंसर क्या है भाई, 98 के अंदर क्या है भाई आंसर, यहाँ देखो 98 के अंदर HKLTMAEFWU, इसके अंदर क्या करना है भाई, ऑड वन आउट, तो यहाँ पे ऑप्शन के हिसाब से देखे तो आपके यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे देखो 6 और 10, मतलब सारे के सारे वोवल्स है, ठीक है, बट नॉट 7, यहाँ वोवल्स में देखना है इसमें क्या डिफरेंस आ रहा है, तो देखो ए और यू मिरर इमेज बन रही है, ई की मिरर इमेज अपोजिट होती है, ए और यू की मिरर इमेज सेम होती है। ठीक है, आंसर 2। नेक्स्ट 99 का भाई क्या है, इसमें प्राइम नंबर देखना है, 7 के बाद में एक प्राइम नंबर छोड़ दिया, फिर 2 प्राइम छोड़ दिया, फिर 4, फिर 8, ऐसे प्राइम नंबर छोड़ने हैं, तो आंसर क्या आएगा, 43। ठीक है, और 100 में आपका क्या भाई, स्क्वेयर और क्यूब, मैंने आपको बताया था 17 हमेशा याद रखना, 2 का क्यूब प्लस 3 का स्क्वेयर होता है, तो 2 प्लस 3 5, 3 का स्क्वेयर प्लस 2 का स्क्वेयर 2 प्लस 3 5, ऐसे 29 क्या होता है, यहाँ पे 5 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 5 प्लस 2 7, 41 क्या होता है, 4 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 4 4 प्लस 4 प्लस 3 सेम ऐसे 73, 8 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, तो 8 प्लस 3 11, 11 इज द राइट आंसर। ओके, होप आपको जो भी डाउट थे आपके सारे क्लियर हो गए होंगे, अगर फिर भी नहीं होते तो मेरे को प्लीज कमेंट बॉक्स में आप बताना, मैं आपके और पूरे के पूरे सॉल्व कर दूंगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।